पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से देश और प्रदेश के सभी किसान वर्ग में खुशी की लहर है। बता दें कि पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद लिबर रहेड़ी गांव के सभी किसानों ने खुशी मनाते हुए अपने विचार व्यक्त किए और अपने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी साहब को भारत रत्न देकर देश के लाखों किसानों का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि जीवन भर किसानों के लिए समर्पित रहे चौधरी चरण सिंह ने किसानों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। मंगलौर से संवाददाता राहुल सैनी की रिपोर्ट। निसंदेह ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है जिससे न केवल एक वर्ग विशेष बल्कि पूरा किसान वर्ग, पूरा किसान समूह इससे गौरवान्वित तो है। हम बार बार इस भारत रत्न दिए जाने को के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि बहुत पहले ही ये सम्मान चौधरी साहब को दिया जाना था, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने चौधरी साहब की उपेक्षा की और उन्हें जिस सम्मान के वो हकदार थे वो कभी दिया नहीं। लेकिन आज हम सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के एक ऐसे किसान नेता को, जो एक किसान परिवार से निकलकर इस देश के प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने अनेकों आदर्श स्थापित किए, ऐसे व्यक्तित्व को इस सम्मान दिया है, ये भारत रत्न। हम उसका हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद करते हैं।